अगर आपका वेस्ट और हिप का डिफरेंस 10 इंच है, तो आपको सिर्फ ये 4 मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप ना अपना पैंट ड्राफ्ट बना सकते हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, डिफरेंस वेस्ट और हिप का 10 इंच से कम और ज़्यादा है, तो फिर आपको अपना पहले बॉडी का एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपका प्रोट्रूडिंग टमी है, तो आपको वेस्ट से लगभग 4 से 5 इंच नीचे एक एक्स्ट्रा मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। अगर फुल थाई है, तो अलग से फुल थाई का मेज़रमेंट लें। अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं, तो मे बी आपका काफ जो है वो भी ज़्यादा हो सकता है, उसको भी मेज़र करें। फ्लैट और प्रोट्रूडिंग बटर के लिए आपको बैक हिप आर्क अलग से मेज़र करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपना फिट एनालिसिस करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फिटिंग एक्स्ट्रा लेना है। हम यहाँ पर नेचुरल वेस्ट लेंगे। नेचुरल वेस्ट को आपको डिफाइन करने के लिए अपने बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करना है, तो एक क्रीज लाइन आता है, वो आपका जो है वो नेचुरल वेस्ट है। वहीं से हम सारे ड्राफ्ट बनाएंगे, क्योंकि जिससे हम बाद में उसको जंप सूट वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकें। जब हम ड्राफ्ट बनाएंगे पैंट का, तो हमें डार्ट जो है वो इंटेक कितना लेना है। अगर आपका वेस्ट और हिप का डिफरेंस 4 इंच है, तो फ्रंट में एक डार्ट लेंगे 1/2 इंच का, और बैक में भी 3/4 इंच का एक डार्ट लेंगे। अगर आपका डिफरेंस जो है वो 10 इंच से ज़्यादा है वेस्ट और हिप का, तो फ्रंट में 2 डार्ट लेंगे 1/2 इंच की, और बैक में भी 2 डार्ट लेंगे 1 इंच का। अगर आपका बॉडी जो है वो स्टैंडर्ड फिट में है, और आपने फुल सर्कमफ्रेंसेस लिया है वेस्ट और हिप का, तो आपको फ्रंट और बैक जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग इस तरीके से आप सारे मेज़रमेंट रिकॉर्ड करके रखें। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग ड्राफ्टिंग बनाना सीखेंगे, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों।